Hello everyone this is professor sanansari and welcome back to my youtube channel friends in this video we are going to deeply discuss about a very important topic called ecocentrism so basically friend the ecocentrism is also called as a nature centric approach okay so it is a nature centric approach where we need to take care about all the lives love, it's nothing but the interrelationship with the lives in the earth on the earth मतलब जैसे कि अर्थ पे बेसिकली हम देखेंगे तो हम कंसिडर करते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो रहते हैं बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन्स यहाँ पर एनिमल लाइफ भी है एक वाइल्ड लाइफ है एंड प्लांट्स का भी एक लाइफ है सो so, यहाँ पर पूरे नेचर सेंट्रिक अप्रोच को कवर किया जाता है अंडर द इको सो लेट्स मूव फॉर द फ्रेंड्स सी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने यहाँ पर कुछ आपकी टेक्स्ट बुक एंड कुछ जो है अलग वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने को ट्राई किया है सो so पहले हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जाएंगे इको सेंट्रिजम बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ अ इंट्रेंसिक वैल्यू सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इंट्रेंसिक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब तो है नेचुरल वैल्यू सबका एक नेचर वाइज कुछ वैल्यूज़ है कुछ एथिक्स है एंड इट प्लेसिस एम्फिस ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस करना सो जब बेसिकलीको सेंट्रिज्म ये बिलीव करता है कि जितनी चीजें हैं उनका एक नेचुरल वैल्यू है और वो कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ से इंटरकनेक्टेड है ठीक है जैसे कि बेसिकली अगर मैं कहूं, हम यहां पर ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई ह्यूमंस को सारी चीजें रिसोर्स मिलना चाहिए लेकिन वो सारा रिसोर्स आपको मिलता कहाँ से फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स वगैरह कंज्यूम करने के लिए हम लोग प्लांट्स वगैरह पे यू नो डिपेंड होते हैं पेड़ पौधे एग्रीकल्चर सो ये सब नेचर का एक पार्ट है सो so, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचर मतलब इनकी कुछ इंट्रेंसिक वैल्यूज़ हैं एंड अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स एट वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए मैटर करता है आपका जो एनिमल लाइफ है वो भी हमारे लिए मैटर करता है क्योंकि एनिमल्स को कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिसोर्स है चाहे वो ट्रैवल्स के लिए लोग पहले यूज़ करते थे लेकिन उनकी जो स्किन वगैरह हम यूज़ करते हैं है, है ना लोग इसको फूड में भी कंजम्पशन करते हैं सो so, ये क्या देख रहे हो आप ह्यूमन के साथ साथ जो अदर लाइफ्स है जैसे वो प्लांट्स का हो या फिर एनिमल या वाइल्ड लाइफ हो ठीक है सो so, ये सारी जो लाइफ्स है ना ये सभी लाइफ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है मतलब एज अ ह्यूमन भी कहीं ना कहीं हम जो है डिपेंडेंट होते हैं नेचर लाइफ जो वाइल्ड लाइफ है एनिमल्स लाइफ जो हम कहते हैं इन सब पे हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ठीक है सो दिस इज द अप्रोच वॉट वी कॉल द इको होप आपको ये तीन लाइन ईजिली समझ में आई होगी अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट इको सेंट्रिज्म बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ अ इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब इको ये सोचता है ये कहता है कि हर एक चीज़ का एक नेचुरल और नेचर के अकॉर्डिंगली वैल्यूज एंड एथिक्स हैं जो आप हर किसी की लाइफ जो अर्थ पे जो लाइफ वाली थिंग्स है जैसे ह्यूमंस एनिमल्स या फिर प्लांट हो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इसी को हम कहते हैं इको सेंट्रिज्म नेचर सेंट्रिक अप्रोच आपको याद रखना है इट इज आल्सो कॉल्ड अ नेचर सेंट्रिक अप्रोच फ्रेंड इको सेंट्रिज्म होल्ड दैट ह्यूम आर ओनली वन पार्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का अगर आप देखेंगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का एक ही पार्ट आपके ह्यूमस में आता है लेकिन अनदर पार्ट में आपके पास जो अदर लिविंग बींग्स भी है जैसे कि एनिमल्स वाइल्ड लाइफ या फिर प्लांटेशन एटसेट्रा सो नाउ लेट्स मूव फर्दीन में ने किया था. 1949. So, ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन नाउ लेट्स मूव फॉर्दर recognizes that all species including humans are the product of a long evolutionary process and are interrelated in their process मतलब अज्ञान यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ है जो अर्थ पर पाई जाती है ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स ये सारी जो किस्में हैं सारी जो स्पीशीज़ है उनके पास एक उनका एक अलग से प्रोसेस है और उनके हर किसी के प्रोसेस एक दूसरे से जो है इंटर रिलेट करते हैं जैसे प्लांट्स जो पूरा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल है एनिमल लाइफ जो पूरा प्रोसेस करती है वो ह्यूमन बींग के लिए कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है ecological integrity integrity of the earth's ecosystem wild places natural sources uh, which we want like the rest of the life एंड कम्प्लीटेड डिपेंडेंट मतलब सारी चीज़ें जो एक दूसरे पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लान आर एंड नेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एकोसांट्रिजम सो ये सेंटेंस आप ईजिल आराम सा लिख सकते हैं स्मूथली शॉर्ट नोट में कि जो वाइल्ड एनिमल्स हो गया प्लान्स हो गया और फिर नेचर हो गया या यहाँ पर आप ह्यूमन बींग्स कनेक्ट कर ले सो so, ये सारे कुछ लोग कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एकोसांट्रिज्म में दैन वी हैव अ लास्ट the key focus of the ecocentrism is on the quality of our relationship with them is a uh टेकिंग दिस होल थिंग हाउ वी अफेक्ट दम मतलब यहाँ पर बात ये हो रही है कि इको सेंट्रिज्म लाइक अ की फैक्टर एंड इनका जो की फोकस होता है ना वो इस पर होता है जहाँ पर ह्यूमेंस एंड जो अदर लिविंग थिंग्स है उनका जो इंटर रिलेशनशिप होता है यही रिफ्लेक्ट करता है इस अप्रोच में विच इज़ कॉल्ड द इको सेंट्रिज्म सिंपली मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड वो जो एल्डो लियोपॉल ने नाइनटीन फोटी नाइन में बनाया था इको सेंट्रिज्म ये कहता है कि हर एक चीज़ हर एक स्पीशीज जो अर्थ पर है जो भी लिविंग थिंग्स है इनकी एक इंटेंसिक वैल्यू है और ये सारे लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट या फिर आप कह लें ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स वाइल्ड लाइफ ये सारा जो इनका प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और जो है इंटर डिपेंडेंट है सो एंड दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचर सेंट्रिक अप्रोच सो दैट्स ऑल एंड ऑफ फॉर टूडे फ्रेंड्स है नाइस डे टेक केयर डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी सो मेक कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल दिस ऑल एंड ऑफ फॉर टूडे बहुत बाय हैव ना इज दे टेक केयर